नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज जी हम वीडियो में बात करेंगे कि हम वेस्ट कपड़े जो कपड़े हम लोग यूज नहीं करते या फिर थोड़े बहुत पुराने हो जाते हैं घिस जाते हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं नहीं हम यूज करते उनको यूज करने के बेस्ट तरीके आज मैं आपको बताऊंगी और लेकिन उससे पहले जी मैं आपको एक सलाह भी देना चाहूंगी अगर आपके पास ऐसे कपड़े ज्यादा हो जाते हैं जो आपको पसंद नहीं है या फिर आपने पहन पहन कर बस ऐसे ही रख दिए कि अभी पहनने को दिल नहीं हो रहा तो आप क्या आप उनको जी किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं जिनको कपड़ों की ज़रूरत है या फिर गरीब लोगों में बांट सकते हैं तो इससे अच्छी हेल्प नहीं हो सकती तो मेरा तो कहना यही है जी मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ हमारे घर पर काफ़ी दो तीन महीने में कपड़े ऐसे निकलते ही रहते हैं तो मैं क्या करती हूँ ज़रूरतमंद को दे देती हूँ मतलब जिनको ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो ऐसे हमारे काफ़ी थैलियां भर भर के मैं बच्चों के कपड़े रहते हैं हमारे कपड़े रहते हैं मैं ऐसे दे देती हूँ जिनको जरूरत रहती है और कुछ कुछ कपड़े मैं ऐसे रख लेती हूँ जैसे कि अभी मैं मुझे वीडियो में काम आ जाएंगे अभी मैं वीडियो में आपको आ, यूज कर कर बताऊंगी कि वो कपड़ों का हम और क्या कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपके सामने हमेशा की जैसे एक रिक्वेस्ट है जी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए चैनल पर नए है वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जी साथ में बेल को भी ऑल पर जाकर जरूर प्रेस करना उससे क्या होगा मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा अगर बेल ऑल पर नहीं प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो आप मिस भी कर सकते हैं तो इसलिए बेल को जरूर दबाना जी अगर आप फेसबुक पर हो तो फॉलो बटन जरूर प्रेस करना जी तो ये देखिए जी मेरे पास कुछ टी शर्ट्स पड़ी हुई थी मेरे बेटे की टी शर्ट्स है ये इनमें से ना कुछ कुछ का कलर थोड़ा फेड भी हो गया है और कुछ थोड़ी घिस भी गई है और ये जो मैंने अभी बोटल दिखाई ना आपको हम इसका भी यूज आगे करने वाले हैं मैं आपको दिखाऊंगी तो उनमें से देखिए मैंने एक टी शर्ट ले ली है जी और इसको देखिए टी शर्ट को मैं ये दोनों तरफ से काट देती हूँ इसकी स्लीव्स है जो वो निकाल दूंगी और ऊपर से नेक का जो पार्ट है वो निकाल दूंगी देखिए जी हमारे पास ये अभी तैयार हो गया पीस और इसके चारों तरफ देखिए मैं मशीन की हेल्प से इधर सिलाई मार लूँगी जी और उसके बाद देखिए जी हम क्या करेंगे देखिए मैंने सिलाई तो सब तरफ से मार ली है अभी हमें ए थोड़ा सा देखिए मैंने आगे से इधर छोड़ दिया है क्योंकि हम इसमें जो कतरन फिल करेंगे उसके लिए और इसके आगे जी देखिए मैं अभी कैंची की हेल्प से इस पर कट्स लगा रही हूँ तो देखिए आप ध्यान से बस सिलाई बचाते हुए आप ध्यान से ये कट्स लगा दीजिए कि हमारी सिलाई नहीं कट जाए बस वो ध्यान रखना ये देखिए जी मैंने ये सब तरफ से इसको कट्स लगा दिए हैं और अब बाद में देखिए जी ये मेरे पास एक वेस्ट कपड़ा पड़ा हुआ था इसका कलर भी देखिए आप देख रहे हैं ना बीच बीच में कैसे फेड हो गया है तो मैं इसकी देखो ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स काट लूँगी कतरन तैयार कर लूँगी और उसके बाद देखिए मुझे ना ये थोड़ा सा कुछ इधर से खाली लग रहा था मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इसको और अच्छा बना दिया जाए इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दिया जाए तो मैंने ये जो बचा हुआ था टी शर्ट का कपड़ा उसी में से छोटी कतरन ले ली है और उसको एक ऐसे गुलाई में देखिए काट लिया है अगर आपके आप आपके पास कोई और इसके साथ मैचिंग कपड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं तो देखिए जी मैंने इधर तीन से चार ऐसे सर्कल काट लिए हैं मैचिंग कर कर ये जो वाइट कपड़ा था ये भी हमारी टी शर्ट के अंदर ही था मैंने एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं यूज़ किया तो इसके बाद देखिए जी ये मैं अभी कट्स लगा रही हूँ क्यों जैसे हमने पिलो कवर के ऊपर कट कट लगाए ना बस वैसे ही लगा रही हूँ तो देखिए जी हमारा फ्लावर देखिए ब्यूटीफुल सा फ्लावर अभी बनकर बिल्कुल तैयार है मैं सुई धागे की हेल्प से इसको इधर अटैच कर दूँगी सब तरफ से या तो फिर आप मोटे मोटे टांगे लगा सकते हैं नहीं तो फिर मैं क्या करूँगी ऐसे पूरा सर्कल बनाते हुए सुई धागे से इसको अटैच कर दूंगी जी अभी हमारी अब बारी आ गई जी इसको फिल करने की देखिए जी इधर एक बात है अब आप चाहे तो इसके अंदर एक छोटा सा कुशन बनाकर भी डाल सकते हैं इसको एक पिलो कवर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं कुशन इधर डाला तो मैं इसको ही फिल कर दूंगी तो बाकी देखिए जी, जी ये जो बचा हुआ था अपनी टी शर्ट का कपड़ा तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया है क्योंकि बचा कुचा इसमें हमने सब डाल दिया है अब बाद में जो हमारे घर पर इसे पसारा नहीं दिखेगा कतरन का तो उसके बाद इसका ही बाद में मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा दी जो खुला मुंह हमने छोड़ा था तो देखिए जी हमारा ब्यूटीफुल सा छोटा सा पिल्लो बनकर बिल्कुल तैयार है जी तो इधर मैंने ली है जी देखिए दूसरी टी शर्ट और ये ना थोड़ी सी पीछे से फटी हुई है मैंने आपको दिखाई ना तो मैंने इसलिए ना इसको ये काम के लिए निकाल लिया था देखिए ऐसे ही अगर फटी पुरानी भी कपड़े दो ना किसी को तो मुझे अच्छा नहीं लगता देखिए सामने वाले की अगर हेल्प करनी है ना तो कपड़े दिखने में भी अच्छे लगे और उसको थोड़े अच्छा भी लगे कि हाँ मुझे अच्छे कपड़े दिए हैं तो मैं क्या करती हूँ ये जो थोड़े से पुराने वगैरह हो जाते हैं या फिर जिनका कलर वगैरह फेड हो जाता है तो मैं इस काम के लिए इनको निकाल लेती हूँ तो अभी देखिए जी ये मैंने पुराने मॉप का एक डंडा ले लिया है आप चाहो तो इधर लकड़ी का डंडा भी यूज़ कर सकते हैं तो नहीं तो आप ऐसे ही बांध दीजिए और दूसरा तरीका है जी इसको देखिए ऐसे थोड़ा सा इधर से कट कर लीजिए और उसके बाद इसको ये डंडे के इधर ये कर कर अटैच कर दिए ऊपर से हम इसको अच्छी तरह से टाइट बांध देंगे ताकि हमारा ये जो ये कपड़ा है इस पर ये खिसके नहीं ऊपर नीचे नहीं जाए तो देखिए मैंने इधर इसको बांध दिया है उसके बाद आगे जी हमारी बोतल की बारी है जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ना अभी इसको मैं यूज़ कर कर बताऊँगी इसको हम कैसे री कर सकते हैं तो देखिए जी मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से कट कर लिया है आप देख रहे हैं मैंने किधर से कट किया है इसको और ये डंडा है ना थोड़ा सा मोटा था तो इसलिए मुझे इसकी अभी गर्दन काटनी पड़ेगी तो मैंने इधर बोतल की गर्दन काट दी है तो इसलिए हमारे इधर डंडे के अंदर भी मतलब ये सेट हो गई है तो कुछ इस तरह से आप इसको सेट कर लीजिए जी और देखिए जी अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा हैवी मॉप बनाना तो इधर आप दो टी शर्ट का यूज़ कर सकते हैं मैंने तो एक का ही किया है ना सिर्फ आपको दिखाने के लिए तो आप इधर दो टी शर्ट्स ले सकते हैं नहीं तो फिर अगर आपके पास कोई और कपड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं टी शर्ट की जगह पर तो देखिए मैंने इसको ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया है क्योंकि अगर हम स्ट्रिप्स में कट करेंगे ना तो ये सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और स्मेल भी नहीं आएगी इसमें से सूख भी जल्दी जाएगा तो देखिए जी ये स्ट्रिप्स काटने के बाद कुछ इस तरह से हमारा मॉप है जो तैयार हो गया है जो एक्स्ट्रा वाली स्ट्रिप्स है वो मैं कैंची से कट कर दूँगी ताकि इसकी जो शेप है प्रॉपर बन जाए और उसके बाद देखिए जी हम ये जो बोटल है ना उस उसके ऊपर अच्छी तरह से टाइट थोड़ा सा मोटा करके कपड़ा बांध देंगे इसी का टी शर्ट का कपड़ा मैंने बांध दिया है ताकि हम जब भी मॉप यूज़ करेंगे ना तो ये बोटल है जो ऊपर की तरफ खिसक के नहीं जाए तो ये लीजिए जी हमारा ब्यूटीफुल सा मॉप बनकर बिल्कुल तैयार है तो मैं आपको यूज़ भी कर कर दिखा रही हूँ देखिए जी मोप तो मैंने बना लिया है इधर मैंने देखिए पोचा भी लगा दिया है आपके सामने ये है जी हमारा आइडिया नंबर थ्री और ये टी शर्ट देखिए जी इसके ऊपर ना डी के दाग पड़ गए थे डी वगैरह लगाते हैं ना बच्चे तो उसके दाग थे तो मैंने इसलिए इसको ये टी शर्ट को इस काम के लिए निकाल दिया है इसका हम बनाएंगे जी बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुशन आप देखते जाइए आगे आगे बस तो देखिए जी मैंने ये नीचे की तरफ से ना इसको ऐसे जॉइंट मतलब चुनत डालकर इकट्ठा कर लिया है उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक रबड़ बैंड डाल दिया है आप चाहो तो किसी डोरी की हेल्प से भी इसको ऐसे बांध सकते हैं तो देखिए जी ये ये नीचे की तरफ है ना जो ये कट वाली टी शर्ट थी तो मुझे ना ये थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा नीचे की तरफ क्योंकि हमें इसमें डोरी डालनी है अगर कट वाली नहीं रहती टी शर्ट तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और ये रहे जी हमारे पास दुपट्टे मेरे और ये दुपट्टे है ना जी जो हम क्या करते हैं घर पर जब भी रहते हैं तो दुपट्टे वगैरह की तो जरूरत नहीं पड़ती कभी बाहर अंदर जाना रहता है ना तो ही दुपट्टे लेते हैं तो ये मेरे पहले के दुपट्टे पड़े हुए हैं इसके साथ के जो ड्रेस थे वो तो पता नहीं किधर गए पुराने हो गए थे मैंने शायद फटफट गए होंगे या फिर किसी को दे दिए होंगे तो मैं ये जो दुपट्टे पड़े हुए ना ये काम के लिए यूज़ करूँगी जी उसके बाद अगर मुझे देखिए दुपट्टे चाहिए भी रहेंगे ना बाद में तो मैं बहुत ही आराम से इसमें से निकाल सकती हूँ क्योंकि हमने कुछ भी इसमें से काटा वगैरह नहीं है बस ऐसे ही दुपट्टे हैं इसमें फिल कर दिए हैं बाद में ये मैंने टी शर्ट का कपड़ा कपड़ा भी इसमें डाल दिया है उसके बाद हम इसको लगा देंगे जी एक नॉट और बन गया जी हमारा ब्यूटीफुल सा कुशन कवर और नहीं सॉरी कुशन कवर नहीं कुशन ही बन गया है ये और उसके बाद मैं इधर एक बटन लगा दूंगी जी इसको और अच्छा बनाने के लिए देखिए आपको इनमें से ना कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगा मुझे अगर कमेंट कर कर बताएंगे ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए जी बस आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय